खरगोन जिले के गुगांव ब्लॉक के शाहपुरा के रहवासियों से आवास योजना के नाम पर रिश्वत लेकर योजना का लाभ नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि इन परिवारों से सरपंच सचिव ने आवास योजना के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत ले ली और परिवारों को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने बताया कि पहले भी प्रशासनिक स्तर पर शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं महिलाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है? केसरी। क्या शिकायत लेकर तुम? मेरे खुटे के बारे में। क्या हुआ? वो मेरा पति जब जिंदा था तो उसकी फोटो भी खींच के ले गए, बोले तुम्हारी खुटी राय ले करके। पैसे लिए आपसे? हाँ। कितने लिए? क्या नाम है तुम्हारा? केसरी। तो कुटी आई कि नहीं अभी? नहीं आई। मैं नाम नसीम रहमान। कहाँ से आए आप? वो गाँव से। क्या शिकायत करी आपने? हमारी कुटीर और शौचालय की। क्या हुआ था? ये लोगों ने 5,000 खा लिए ना, हमको नहीं दिए पैसे ना, फोटो जबरदस्ती खींची। कितने पैसे लिए थे आपसे? आरिफ सरपंच ने और केशव ने। क्या बोल के लिए थे? ये बोला कि तुम्हारी गाँव से कुटीर भी आ गई है और शौचालय भी आ गए, तुम्हारा आधार कार्ड भी दे दो, कूपन की फोटो कापी दे दो, खाते की दे दो, ऐसा करके न ये ले गए। कितने कब किया था आवेदन आपने? हमने अभी 2 साल हो गए। अभी तक कुटी नहीं हुई? अभी तक कुटीर दी नहीं इन लोगों ने। मेरे पास है ना ये BPL का कूपन है, मैं खुद डांडी ब्याह मेरे को दिखता नहीं। तो क्या बोला था कि 5,000 दो तो काम होगा? नहीं, तुम पैसे दो तो तुम्हारे खाते में आएगी, पैसे 5,000 दे दो कुटीर आएगी तुम्हारे खाते में। ऐसा बोले? हाँ। तो तुमने दिए थे 5,000? हाँ, हमने दिए पैसे। कितने लोगों ने दिए थे? ये लोगों से भी मुक्त से लिए इन्होंने। क्या नाम है तुम्हारा? नसीम रहमान। कहाँ रहते हो? हम गोगांव साहब। सरपंच की शिकायत लेके आए सरपंच, वो बेड़ी पे जो सामत फारिस घाट का छोरा उप सरपंच आरिफ है, वो मेरा से 6,000 पहले ले गया, फिर 5,000 ले गया, फिर दूसरा वन वो आए केशु मंत्री और आरिफ सरपंच जी का छोरा आया, वो मेरा से पैसे ले गए मेरे लड़कों के नाम से 3,000, तीन लड़कों के नाम से ले गया, एक मेरी लड़की के नाम से भी ले गया 3,000, और मेरी लड़की के नाम से तो कुटीर भी आ गई, मेरी लड़की किराए से रहती तो उसकी कुटीर के पैसे भी ले गया ना, कह दिया कि तुम्हारी पक्की है और किराए से रहती वो पक्की घर में रह रही करके। तो तीनों उसे लिए तो कुटीर मिली आपको अभी? नहीं मिली अभी तक, कुछ कोई नहीं मिला, और अभी एक महीने पहले आया वो आयाज मंत्री आया और अरबाज आया उसके साथ में, तो वो बोले कि आपकी तुमने आवेदन दिया खरगोन कोर्ट में, मैंने कहा हाँ, तो बोले आपकी कुटीर आ गई, मैंने कहा मेरे लड़कों की नाम से, मेरी लड़की के नाम से, तो बोले आपके लड़का लड़कियों के नाम से ही कुछ नहीं आई, तुम्हारे नाम से ही। तो हमारे मैं जा खींचने के लिए मेरे झोपड़े में बाद में खींची, और पहले जो कनिका फोटो कई दुकान पर मैं आयल थी तो वहाँ कनिका खींच ली फोटो, और फिर हमारे मैंने बोला मेरे यहाँ मत खींचो मेरे झोपड़े में खींचो, तो फिर बाद में चलो बाद में आप तुम्हारे वहाँ झोपड़े में चलेंगे करके झोपड़े में भी मेरे को खड़ी रख के खींची। और फिर एक महीने बाद आया वो अरबाज आया, तो हमने पूछा उससे तो बोले कि आपकी कुटीर वो मंत्री ने घोषित कर दी, बोले केशु मंत्री ने, हमने नहीं करी, बोले ऐसा बोल रहा वो आवेदन मैडम को दिया। अभी कुटीर मिली कि नहीं आपको? नहीं मिली, कोई को नहीं मिली, ना कुटीर मिली, कुछ नहीं मिला। पैसे ले लिए? ये पैसे लिए मेरे 30,000 मेरे लड़कों के नाम से, तीन लड़कों के नाम से 3,000, एक लड़की के नाम से 3,000, मेरे पति के नाम से 6,000 लिए। अच्छा, कब आवेदन किया था आपने इसके लिए? ये 4-5 महीने पहले हुआ था, ये मेरे को याद नहीं है, देख लो साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा है। सईदा? कहाँ रहते हो? सईदा से मेरा, मैं रहती हूँ शाहपुरा बेड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।